नमस्कार स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज हम लोग टॉपिक इंटेप्स प्रोग्राम में बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पर वह समाचार जुड़ा हुआ है श्रीलंका में लिट्टे के अटैक से संबंधित और लिट्टे के अटैक के कॉन्टेक्स्ट में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर श्रीलंका में एक तरीके से दहशत वाली स्थिति बन रही है कि आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि लिट्टे एक बार फिर से श्रीलंका में अपना पैर पसारे और इस लिहाज से यह जो खबर है यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है हालांकि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में श्रीलंका ने जांच की बात कही है कि हम इस रिपोर्ट की जांच करवाएंगे, देन फिर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्या इस तरीके का हमला किया जा सकता है या फिर या बह, महज यह एक अफवाह ही है तो इस पूरे विषय पर इस संबंधित विषय के डायमेंशन पर आज हम बातचीत करेंगे मैं आपको बताऊं कि लिट्टे जो है एक तरीके का आतंकी संगठन था श्रीलंका में और इसका पूरा नाम यदि मैं आपको बताऊँ तो इसका पूरा नाम है द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यह जो संगठन था यह संगठन बना था वर्ष 1976 में है ना? और इसके बाद इसने बहुत तेजी से तमिल एलम है ना तो द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ने बहुत तेजी से अपना प्रभाव जमाया था श्रीलंका में और इसने अपने अधिकारों के लिए युद्ध की रणनीति अपनाई थी इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे बहरहाल पहले हम ये समझते हैं कि ये जो खबर है ये इस खबर में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं यदि हम खबर को देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंटेलिजेंस इंडिकेशन यहाँ पर मिले हैं कुछ गुप्त सूचनाएँ मिली हैं और समाचारों का आधार बनाया गया है इसके लिए यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि श्रीलंका के माध्यम से यह खबर आ रही है कि भारतीय मीडिया के माध्यम से ही ये सूचना उन तक पहुँची है और इस लिहाज से यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि आखिर इस सूचना में क्या बातें कही गई हैं यहाँ पर ये यह कहा गया है कि अर्स्ट कैडर ऑफ़ द बैंड लिट्टे डि टू लॉन्च अटैक्स इन श्रीलंका यहाँ आप समझ रहे हैं कि लिट्टे को बैन कर दिया गया था और अब इसके फिर से पनपने की संभावना जताई जा रही है और इसी रीग्रुपिंग के माध्यम से इसी फिर से इनके उभरने की संभावना को देखते हुए श्रीलंका में इनके द्वारा फिर से अटैक करने की फिर से हमला करने की साजिश रची जाने की संकेत मिल रहे हैं यहाँ मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में वर्तमान की जो स्थिति है वो एक तरीके से क्रिटिकल बनी हुई है आप देख रहे होंगे समाचारों में सुन रहे होंगे पढ़ रहे होंगे कि एक तरफ इकोनॉमिकल क्राइसिस है यहाँ पर और दूसरी तरफ यहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल वाली स्थिति देखी जा रही है इकोनॉमिकल क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पे भी वहाँ पर बहुत ही उठा की स्थिति मची हुई है अभी हाल ही में एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी की गई है जब अ, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे श्रीलंका के वहाँ की स्थिति को संभाल नहीं सके और वे गद्दी छोड़ने पर मजबूर हुए देन फिर नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति भी हुई है तो इस स्थिति में यदि श्रीलंका में लिट्टे की इस के इस कैडर के द्वारा वहाँ पर हमला किया जाता है या फिर हमले की कोई भी गतिविधि की जाती है तो निश्चित तौर पर श्रीलंकाई शासन व्यवस्था के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन सकती है आगे बातचीत करें तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लान किया जा रहा है ये जो सूचना मिल रही है इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिल रही है कि 18 मई के दिन मुल्ली वैकल एनिवर्सरी के मौके पर यह संभावना है जताई जा रही है कि आतंकी हमला किया जा सकता है या फिर लिट्टी के द्वारा यह जो अटैक है यह किया जा सकता है तो ये सब गतिविधियां यहाँ पर सामने आ रही हैं अब हम ये थोड़ा समझ लें कि आखिर ये मुलली व्यकल एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है मुलली व्यकल दरअसल श्रीलंका में ही एक स्थान है और मई 2009 में वहाँ पर सैन्य गतिविधि के माध्यम से इस तरीके की कार्रवाई अपनाई गई थी किसके अगेंस्ट में तो लिट्टे के अगेंस्ट में और लिट्टे के साथ साथ में वहाँ पर कई नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा था इस तरीके की एक बहुत ही संकट वाली स्थिति उस दौरान पैदा हो गई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुल्ली वहकल एनिवर्सरी हर साल अठारह मई को आयोजित किया जाता है और यह केवल श्रीलंका में ही नहीं बल्कि देश विदेश में जो भी श्रीलंकाई तमिल रहते हैं उन वे सब इसका आयोजन करते हैं तो इस तरीके से यह आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है तमिलों के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यह जो एक इंटेलिजेंस की सूचना मिल रही है वहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है आगे यदि हम बातचीत करें कि श्रीलंका में वर्तमान में यदि सिक्योरिटी कंसर्न किस लेवल पर सेंसिटिव हो गया है पहला तो यही है कि वहाँ पर दो दो बार आपातकाल की घोषणा की गई है ना। और इसके साथ साथ में वहाँ पर विरोधियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में निरंतर मुठभेड़ की स्थिति देखी जा रही है और ऐसे में यह जो एक संकेत है कि श्रीलंका में लिट्टे का हमला हो सकता है तो यह संकेत निश्चित तौर पे बहुत ही सोचने वाला बन जाता है तो यह संकेत निश्चित तौर पर एक विचारणीय स्थिति को जन्म देता है आगे बातचीत करते हैं यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सम अर्स्ट वाइल्ड कार्डर हैड इंटरड तमिलनाडु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु में वे इन किए थे तमिलनाडु में आकर करके और श्रीलंका में हमला करने की साजिश रच रहे थे कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं और श्रीलंका ने ये कहा है कि वहाँ जो इस तरीके की सूचना मिल रही है उसका आधार भारतीय मीडिया के को ही देना चाहिए क्योंकि भारतीय मीडिया ही इस तरीके की सूचना से अवगत करा रही है तो इन परिस्थितियों में इस रिपोर्ट की क्या सच्चाई है क्या वास्तविकता है इन सभी पर श्रीलंका सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है यदि हम एक नज़र लिट्टे के उत्थान और पतन राइज और फॉल पर डालें तो बहुत ही ब्रीफ में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि लिट्टे के उत्थान का या फिर लिट्टे के राइज का जो मूल कारण था वो क्या था पहला कारण था डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा कारण था उन्हें जो तमिल थे तमिलों के अधिकार की अनुपस्थिति और शासन में भागीदारी की अनुपस्थिति है ना एब्सेंस ऑफ राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन श्रीलंका एंड जो डिस्क्रिमिनेशन था इसके दो पहलू थे पहला जो पहलू था वो था रेसियल डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा जो पहलू था वो था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही बेसिस पर इस तरीके से जो वंचन की भावना इनमें पैदा हुई थी और इसी के अगेंस्ट में लिट्टे का उद्भव हुआ था 1976 में है ना तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह जो एक स्थितियां पनपनी शुरू हुई थी यहां जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था यह मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि सिहली अगेंस्ट सिहली बनाम तमिल और रिलीजियस स्तर पर बौद्ध बनाम हिंदू है ना ये कुछ वंचन की स्थिति देखी जा रही थी जहाँ पर श्रीलंका में सहली बहुल आबादी थी और वहीं तमिलों के अगेंस्ट में उनकी जो कार्रवाई थी वो देखी जा रही थी और दूसरा ये था कि जो सहनी थे वो मूलतः बौद्ध थे और जो तमिल थे वो मूलतः हिंदू थे और तमिलों को वहाँ पर श्रीलंका में न तो शासन में भागीदारी मिल रही थी न ही उन्हें वाजिब अधिकार मिल रहे थे और इसी के विरोध में लिट्टे ने अपना एक संगठन बनाया था और 1983 से 2009 के बीच में सिविल वार वाली स्थिति वहां पर देखी जा रही थी गृह युद्ध की स्थिति देखी जा रही थी और वर्ष 2009 में इस संगठन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद इसका उभार बिल्कुल ही बंद हो जाता है ये पूरा का पूरा जो इलाका था ऊपर का हिस्सा श्रीलंका का ये मानचित्र है इसके ऊपरी वाले हिस्से में श्रीलंकाई तमिलों की बहुलता देखी जाती है आगे बातचीत करें इस पूरे मामले में यदि हम भारत के कंसर्न को समझें कि भारत का क्या कंसर्न है तो पहला ये है कि इशू ऑफ आईडीपीस आईडीपीस का मतलब क्या हुआ इंटरनली डिस्प्लेस्ड परसन ये वो लोग हैं जो कि उस दौरान उस युद्ध के दौरान अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए थे और इन्हें बाद में शिविरों में इन्हें जगह दी गई थी और उन्हें श्रीलंकाई शासन व्यवस्था के द्वारा भी सहायता पहुंचाई गई और और भारत में भी वे तमिलनाडु वाले हिस्से में शिविर में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं वर्तमान में भी इनकी स्थिति इस तरीके की देखी जा सकती है तो भारत का एक जो चिंता वाला विषय है वो इनसे जुड़ा हुआ है और दूसरा ये है कि वहाँ की जो सरकार है श्रीलंका में जो वर्तमान में नए प्रधानमंत्री रानी विक्रम सिंघे के तौर पर नियुक्त हुए हैं वे चाहते हैं कि भारत के साथ क्लोज रिलेशन बना रहे नज़दीकी संबंध बना रहे है, रहे है।, है ना? क्यों क्योंकि भारत के द्वारा श्रीलंका को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता इकोनॉमिक असिस्टेंस दी दी जा रही है और भारत ने तीन बिलियन डॉलर से भी अधिक की आर्थिक सहायता श्रीलंका को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई है चाहे वो लोन का माध्यम हो चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट का माध्यम हो इन सभी स्तरों पर भारत ने इकोनॉमिक असिस्टेंस श्रीलंका को पहुँचाया है तो इस लिहाज से श्रीलंका की भी एक अपेक्षा है श्रीलंका का भी एक्सपेक्टेशन है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध कायम करें यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान में लिट्टे की संभावित हमले की जो एक बात सामने आ रही है इससे इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे आने वाले जांच से ही पता चल सकता है लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि लिट्टे का जो एक अंग है एक हिस्सा है वह कभी 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 अपना एक रूप दिखाता भी रहता है और वे कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित करते रहते हैं जिससे पता चलता है कि लिट्टे वर्तमान में भी कोशिश कर रहा है श्रीलंका में अपना दबदबा कायम करने की और यहाँ कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि भारत में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लिट्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों को अरेस्ट किया है बीते सालों में और कुछ ऐसे भी लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि ड्रग तस्करी और फिर कुछ ऐसी अवैध गतिविधियों में संलग्न थे उसमें शामिल थे तो इस तरीके की जो सूचनाएं हैं इन सूचनाओं के आधार पर इसमें एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लिट्टे कहीं ना कहीं अपनी शक्ति फिर से अर्जित करने की कोशिश कर सकता है और इस लिहाज से भारत और श्रीलंका दोनों को इस मामले में सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि हिंसक संगठन के तौर पर फिर से वो पनपता है तो दोनों देशों की शांति व्यवस्था के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है तो ये सब जो हैं यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए और बेहतर तरीके से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो संबंध है इस पूरे संबंध के मामले में यह जो इशू है यह इशू किस हिसाब से काम करता है यहाँ पर एक दो बातें और ध्यान में रखने लायक हैं कि भारत का यहाँ पर केवल श्रीलंका के ही साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं देखना होगा बल्कि कुछ अप्रत्यक्ष स्थितियाँ भी भारत को समझने की आवश्यकता है क्यों क्योंकि श्रीलंका में चीन की भी एक भूमिका सामने आ जाती है श्रीलंका में चीन ने हम बनटोटा बंदरगाह पर बहुत बड़ा निवेश किया है और वर्तमान में जो वहाँ पर आर्थिक संकट की स्थिति पनप रही है इसमें चीन भी अपनी भूमिका निभा रहा है तो यहाँ पर भारत इस लिहाज से भी कोशिश कर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि चीन अपना दबदबा श्रीलंका में इस कदर बढ़ाए कि वह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत की सुरक्षा के लिए वह खतरा पैदा कर दे तो इन सभी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए भारत को आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता जान पड़ती है बहरहाल आज की चर्चा में हमने इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत की है कि लिट्टे के संभावित फिर से पुनरुद्भव की जो एक संभावना जताई जा रही है इसमें क्या सच्चाई हो सकती है और इस लिहाज से दोनों देशों को किस किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करने की दरकार सामने आती है तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए धन्यवाद